अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, फजल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हमको अपने गांव के अंदर धान की काश्त जो कहीं जारी है, कहीं हो रही है और कहीं पर पनीरी काश्त हो गई है और कहीं जो अगेती जो फसल है वो पकने के करीब है। धान की काश्त की मुकम्मल सैर करवाते हैं और उसकी जो बोई है वो हो गई है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और उसके बाद अपने इलाके की रंग रंग जो व्यूज़ हैं इलाके के वो आपको दिखाते हैं, खूबसूरती इलाके की दिखाते हैं, हमारे देहात के अंदर कैसा खूबसूरत माहौल होता है वो भी हम आपको आज इस व्लॉग में दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे धान की काश्त और उसके बाद गेहूँ की सैर करवाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जो धान की जो पनीरी है ये उगई थी पहले भाइयों ने, इसके बाद यहाँ पर बोई मुकम्मल हो गई है। धान की काश्त पकने में कम से कम 3 से 4 मंथ लगेंगे इसको। ये अक्सर जनूबी पंजाब के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा काश्त होती है। ये धान की काश्त की जो फसल है हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे की नज़र से, ये हो गई है अभी, ये मुकम्मल कंप्लीट है। कैसे ये खूबसूरती दिखा रहे हैं आपको धान की काश्त की। बारिश के बाद की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। हरियाली हरियाली बिल्कुल खूबसूरती, बारिश का पानी खड़ा हुआ पूरे ग्राउंड में।